दिल्ली पुलिस के पुलिस कर्मियों के ऊपर गोली चलाने वाले दो बदमाशों को दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद धर दबोचा है। इन बदमाशों ने बीती 25 तारीख को भलसवा डेयरी इलाके में दो पुलिस कर्मियों के ऊपर गोलियां बरसाई थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था। दरअसल दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर राम स्वरूप मीणा को यह खुफिया जानकारी मिली थी कि 25 तारीख को भलसवा डेयरी इलाके में पुलिस कर्मियों के ऊपर गोली चलाने वाले बदमाश देर शाम शाहबाद डेयरी इलाके में पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद इंस्पेक्टर राम स्वरूप मीणा ने अपनी टीम के साथ शाहबाद डेयरी इलाके में टैंप लगाया और दो बाइक सवार लड़कों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन दोनों लड़के भागने लगे और उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। मैं आप सबको बताना चाहूँगा, दिनांक 25 फरवरी को थाना भलसवा डेयरी के इलाके में शाम को एक गंभीर घटना घटी थी। हमारे दो बीट के कांस्टेबल्स, कांस्टेबल भूपेंद्र और कांस्टेबल संदीप, जेजे कॉलोनी में बीट पोस्ट के पास चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान उन्होंने एक सस्पिशियस मोटरसाइकिल को रोका, जिसके नंबर प्लेट डिफेक्टिव थे। इसके दौरान उन्होंने तीन सस्पिशियस लड़के जो उस मोटरसाइकिल पे थे, जब उसकी चेकिंग कर रहे थे, इन लड़कों ने वहाँ से भागने की कोशिश की। पुलिस द्वारा पकड़ने और पीछा करने के प्रयास के दौरान इनमें से सस्पेक्ट्स ने पुलिस के ऊपर फायर किया। इस फायरिंग में कांस्टेबल संदीप को गंभीर चोट आई, वो गंभीर रूप से घायल हुआ। इस हादसे के बाद डिस्ट्रिक्ट आउटर नॉर्थ की स्पेशल स्टाफ एटीएस और भी कई थानों की क्रैक टीम्स इस केस को सॉल्व करने के लिए काम कर रही थी। कल रात हमारे स्पेशल स्टाफ की टीम को एक गुप्त सूचना मिली और उस सूचना के आधार पर स्पेशल स्टाफ की टीम ने ट्रैप किया। थाना शाहबाद डेयरी के इलाके में सेक्टर 30 रोहिणी के पास ट्रैप लगाने के दौरान जब इस घटना में शामिल सस्पेक्ट्स वहां पहुंचे और उनको पकड़ने की कोशिश की गई स्पेशल स्टाफ की टीम के द्वारा तो उन्होंने स्पेशल स्टाफ की टीम पर फायर किया। पुलिस ने अपनी सेल्फ डिफेंस में अक्यूज्ड के ऊपर भी फायर किया। इस घटना में दो सस्पेक्ट्स, जिनके नाम मैं अभी आपको बताऊंगा, उनके पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के बाद दोनों घायल सस्पेक्ट्स को तुरंत हॉस्पिटल रेफर किया गया। स्पेशल स्टाफ की टीम मेंबर्स में से जिनमें से एक ने बीपी जैकेट भी पहन रखी थी, उसे बीपी जैकेट पे भी गोली लगी है। इंस्पेक्टर राम स्वरूप मीणा, जो कि इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ हैं, उनके और इनकी टीम के इस कार्रवाई के बाद घटनास्थल से दो कंट्री मेड पिस्टल, चार लाइफ कार्ट्रिजेस रिकवर की गई हैं। इसके अलावा एक ब्लैक पल्सर, जिसपे ये सस्पेक्ट सवार होकर आए थे, वो भी रिकवर की गई है। इसके अलावा घटना में पुलिस द्वारा दो राउंड्स फायर किए गए थे, जिसके एम्प्टी कार्ट्रिजेस भी घटनास्थल से रिकवर किए गए हैं। ये जो दो सस्पेक्ट्स कल रात अर्ली मॉर्निंग की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए, अप्रीहेंड किए गए हैं, इनमें से एक का नाम योगेश है, योगेश वर्मा। ये बख्तावरपुर का रहने वाला है। ये पहले भी 8 मामलों में गिरफ्तार हो चुका है और कुछ दिन पहले ये जेल से छूट कर आया था। दूसरा जो सस्पेक्ट है वो एक CCL है, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ। हमारे पास अभी तक अवेलेबल जो जानकारी मौजूद है उसके हिसाब से ये जुविनाइल है, इसलिए हम उसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इसके एज वेरिफिकेशन का काम अभी चल रहा है। टोटल कितने फायर है ये तफ्तीश का मुद्दा है। मैं आपको
ये बता सकता हूँ कि घटनास्थल से कितने खाली खोल अभी तक रिकवर हुए हैं। सर ये बताइए, इसमें पुलिस को सूचना कैसे मिली कि ये आ रहे हैं और ये कहाँ जा रहे थे दोनों के दोनों? ये एक्शन जो है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर लिया गया है, अभी इस स्टेज पे मैं इससे ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता। सर ये 25 तारीख को क्या करने आए थे? घटना मुठभेड़ के तुरंत बाद दोनों अक्यूज्ड को हॉस्पिटल रेफर किया गया था। 25 तारीख को क्या करने आए? मेरी बात सुन लें एक बार कृपया। घटना मुठभेड़ के तुरंत बाद दोनों अक्यूज्ड को हॉस्पिटल में रेफर किया गया था, जहां उनका इलाज अभी भी चल रहा है, वो अभी तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हुए हैं। एक बार हम इनको जब पुलिस कस्टडी में ले लेंगे कोर्ट की इजाज़त से, उसके बाद पूछताछ के बाद 25 तारीख का भरसवा डेयरी का घटनाक्रम और साफ हो जाएगा। सर बताएं क्यों पुलिस वाले ने फायर क्यों किया था? सर राजेश मैं कह रहा हूं, अभी हम इनसे पूछताछ नहीं कर पाए हैं, ये अभी हॉस्पिटल में है, ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे, फिर ये इन्वेस्टिगेशन में ही पूछताछ में ये बातें बाहर आएंगी कि ये पीछे और किस घटना में इन्वॉल्व थे या नहीं थे। इनके इसकी जो अभी तक हमारे पास जानकारी अवेलेबल है, इसमें चोरी और स्नैचिंग इस तरह के मुकदमे इन्वॉल्व है, और ऑटो थेफ्ट। ये हम इनसे पूछताछ के बारे में बात बताएंगे आपको। जी जो अभी तक हमारे पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, जो जुविनाइल आज की मुठभेड़ के बाद अप्रिहेंड किया गया है, वो होलंबी खुर्द के इलाके में एक और घटना 16 तारीख की हुई थी, जिसमें एक दुकानदार के ऊपर फायरिंग हुई थी। ये जो जुविनाइल है ये उसमें भी इन्वॉल्व था। सर ये पल्सर क्या है? पल्सर जो रिकवर हुई है आज की सुबह की मुठभेड़ के बाद, वो चोरी की है।